गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 18 अक्टूबर और आज के इस सेशन में 18 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज करेंगे 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित, दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा आयोजन। भारतीय नौसेना केरल के मराकक्कर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में नौकायान प्रतियोगिता का करेगी आयोजन। इसरो ब्रिटेन के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेव के 36 उपग्रहों को करेगा लॉन्च। भारतीय रेलवे शुरू करेगा सुपर फास्ट वंदे भारत मालगाड़ी ट्रेन। श्रीलंका ने भारत से 6 भारतीय बाइसन को हस्तांतरित करने का किया अनुरोध। भारत की पनडुब्बी INS हरियंत ने बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 18 बड़े राज्यों में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ शासित राज्यों के रूप में उभरा। अमित शाह ने भोपाल में MBBS पुस्तक के हिंदी संस्करण का किया विमोचन। कृष्णा नदी पर बनेगा देश का पहला केबल स्टेड कम सस्पेंशन पुल, केंद्र ने दी मंजूरी। पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम को मिलेगा अणुव्रत पुरस्कार, विश्व भारती ने की घोषणा। अब डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो किस देश के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेव के 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। तो फ्रेंड्स, वैश्विक संचार नेटवर्क के वनवेव के जो 36 उपग्रह है ना, इनकी लॉन्चिंग की जाएगी 23 अक्टूबर को। कब इनकी लॉन्चिंग होगी फ्रेंड्स? तो 23 अक्टूबर को इसरो द्वारा इन्हें लॉन्च किया जाएगा। इसरो द्वारा इन्हें लॉन्च किया जाएगा और किस रॉकेट से इनकी लॉन्चिंग होगी? तो फ्रेंड्स, रॉकेट का नाम याद रखेंगे LBM-3। LBM-3 जिसे GSLV MK-3 के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, LBM-3 को पहले हम किस नाम से जानते थे? तो GSLV MK-3 के नाम से भी इसे जानते थे। तो फ्रेंड्स, इनकी जो लॉन्चिंग होगी वो इस रॉकेट से इन्हें लॉन्च किया जाएगा और 23 अक्टूबर को इसरो इन्हें लॉन्च करेगा। फ्रेंड्स, ये किस देश के उपग्रह हैं? तो ये हैं यूके के। किसके हैं फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे यूके के हैं, यानी कि ब्रिटेन के ये उपग्रह हैं जिन्हें इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा 23 अक्टूबर को। तो यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अब जरा डिस्कस कर लेते हैं इसरो के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट आप सभी इसरो के बारे में याद रखेंगे, इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। आप सभी को कमेंट्स में बताना है कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। 23 अक्टूबर को इनकी लॉन्चिंग होगी। बढ़ते हैं आगे। अब डिस्कस कर लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? तो लंदन है। ब्रिटेन की मुद्रा को कहते हैं पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन की हाल ही में PM कौन बनी है फ्रेंड्स? नाम याद रखेंगे, लिस्ट्रस, जो कि ब्रिटेन की PM है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO राष्ट्रमंडल का मुख्यालय और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय, इन तीनों का जो हेडक्वार्टर है ना फ्रेंड्स, वो कहां पर है? लंदन में। कहां पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे लंदन ब्रिटेन में है। बढ़ते हैं आगे। ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन की जो सबसे लंबी नदी है वो है सेवरन नदी। अब आप लोग बताइए कि लंदन किस नदी के किनारे है? लंदन किस नदी के किनारे है? इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में देंगे। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया
विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार आदि ये सभी भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे यूके के संविधान से इन्हें भारतीय संविधान में लिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो मैप में आप सभी यूके की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है यूके और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी डोवर जल संधि। डोवर जो जल संधि है ये किससे जोड़ती है? तो ये नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। ये पॉइंट आप सभी याद रखेंगे, नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो कील नहर है ये किससे जोड़ती है, कील नहर किससे जोड़ती है, इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में देंगे। फ्रेंड्स अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले निलंबन पुल को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स ये भारत का पहला होगा निलंबन पुल, जो कि कहां बनाया जाएगा, कृष्णा नदी पर। कहां पर इस पुल को बनाया जाएगा? तो कृष्णा नदी पर इस पुल को बनाया जाएगा, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है। डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स इस पुल के बारे में। तो ये जो पुल है ना, ये केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने के लिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को ये आपस में जोड़ेगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी। और ये हैदराबाद और तिरुपति के बीच की जो दूरी है ना फ्रेंड्स, उसे भी ये पुल कम कर देगा। ये दुनिया का दूसरा पुल होगा। दुनिया का पहला पूछा जाए तो कहां पर है, चेक गणराज्य में। कहां पर है फ्रेंड्स, याद रखेंगे चेक गणराज्य, चेक गणराज्य में है, जिसे जिसे किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, ये हाल ही में सुर्खियों में भी रहा था। इस पुल का नाम बताएंगे आप सभी, इस पुल को किस नाम से जाना जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम है, कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है, महाबलेश्वर। कहां से होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। और कहां पर अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी। कहां पर जल गिराती है फ्रेंड्स, याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। फाल्गु नदी के बारे में आप सभी याद रखेंगे, सुर्खियों में रही थी फाल्गु नदी। फ्रेंड्स फाल्गु नदी पर बिहार में रबर डैम बनाया गया है, बिहार में रबर डैम का निर्माण किया गया है और इस डैम का नाम क्या है? तो इस डैम का नाम है गयाजी डैम। क्या नाम है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे इसका नाम है गयाजी डैम, जो कि कहां पर बनाया गया है, बिहार में फाल्गु नदी पर इसे बनाया गया है। चिनाब नदी से आप सभी याद रखेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है वो चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। महानदी से आप सभी याद रखेंगे, महानदी से याद रखेंगे टी सेतु। टी सेतु कहां पर बनाया गया है फ्रेंड्स, तो ये उड़ीसा में बनाया गया है। कहां पर, उड़ीसा में। और किस नदी पर इसे बनाया गया है, तो महानदी पर इसे बनाया गया है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 90वीं इंटरपोल महासभा कहाँ होगी? तो फ्रेंड्स ये 90वीं इंटरपोल जो महासभा है ना, ये होगी नई दिल्ली में। कहाँ पर होगी, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा इसे, नई दिल्ली में। और कब से कब तक होगी, तो 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स इंटरपोल के बारे में कि इंटरपोल क्या है, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन या इंटरपोल 194 सदस्यों वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। फ्रेंड्स याद रखेंगे इंटरपोल का भारत भी एक सदस्य देश है। इसका गठन कब किया गया था, तो 1923 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में इसका गठन किया गया था, लेकिन बाद में 1956 में इसका नाम कर दिया गया था इंटरपोल। इसका नाम बाद में क्या कर दिया गया था फ्रेंड्स, तो नाम बाद में बदलकर कर दिया गया था इंटरपोल। भारत 1949 में इंटरपोल में शामिल हुआ, ये पॉइंट याद रखेंगे। भारत कब इसका सदस्य बना था, तो 1949 में भारत इसका सदस्य बना था।
और यह है दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन कौन सा है तो आपका आंसर होगा इंटरपोल। फ्रेंड्स, इंटरपोल का हेडक्वार्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके बारे में याद रखेंगे। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है तो फ्रांस में है। अब डिस्कस कर लेते हैं इंटरपोल सभा के बारे में जो कि नई दिल्ली में होने वाली है। तो यह इंटरपोल का सर्वोच्च शासी निकाय है और इसमें इसके सभी सदस्य देश प्रतिनिधि शामिल होंगे। यानी कि जो दिल्ली में बैठक हो रही है इसमें जो इंटरपोल के जो सदस्य देश हैं वो सब इस बैठक में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो कि सुर्खियों में रहे थे। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया और किसानों को 16,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये सम्मेलन हाल ही में हुआ है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो पांचवी बैठक है फ्रेंड्स, ये भी कहाँ होगी तो ये नई दिल्ली में होगी। याद रखेंगे आप सभी, ये बैठक कहाँ होगी फ्रेंड्स, तो इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला किस राज्य के मराकक्कर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय नौसेना पाल नौका प्रतियोगिता 2022 आयोजित करेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो आयोजन होगा ना वो होगा केरल में। कहां पर होगा तो याद रखेंगे, इसका आयोजन होगा केरल में और इसे कौन आयोजित कर रहा है तो भारतीय नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। डिस्कस कर लेते हैं इस प्रतियोगिता के बारे में, तो ये कब से कब तक आयोजित होगी, 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक। यह मेगा चैंपियनशिप सबसे बड़ी इंट्रा नेवी सेलिंग रेगाटा है जिसमें तीनों भारतीय नौसेना कमानों के लगभग 100 नाविक भाग लेंगे। पहला पॉइंट याद रखेंगे, इसका आयोजन कौन करता है तो भारतीय नौसेना के द्वारा यह आयोजित की जाती है। यह सेलिंग चैंपियनशिप आजादी का अमृत महोत्सव और खेलो इंडिया उपलक्ष में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित की जाने वाली आयोजनों में से एक है। आगे डिस्कस करेंगे, किस देश ने भारत से 6 भारतीय बाइसन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है ताकि उन्हें उस द्वीप पर फिर से लाया जा सके जहां वे 17वीं शताब्दी के अंत तक गायब हो गए थे। सबसे पहले देख लेते हैं कि यह बाइसन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है बाइसन, ये बाइसन है। तो डिस्कस कर लेते हैं एक बार बाइसन के बारे में। तो भारतीय बाइसन या गौर बॉस गोरेस भारत में पाए जाने वाला जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है। फ्रेंड्स, ये क्या है तो जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है और यह मूलतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। साथ ही में आपको यह देखने को मिल जाएगा बर्मा और थाईलैंड में। कहां पर देखने को मिल जाएगा तो बर्मा और थाईलैंड में भी आपको देखने को मिल जाएगा। भारत में यह कहां पाया जाता है तो फ्रेंड्स, भारत में यह पश्चिमी घाट में बहुत अधिक पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, मासी नागरी नेशनल पार्क और बिल्ली गिरी रंजना हिल्स में यह आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी कहां पर हैं तो ये सभी हैं भारत में। अब इसे भारत से किसने अनुरोध किया है कि ये हमें दे दिए जाएं कुछ, तो ये किया गया है फ्रेंड्स किसके द्वारा, श्रीलंका के द्वारा। किसके द्वारा अनुरोध किया गया है फ्रेंड्स, तो श्रीलंका के द्वारा अनुरोध किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रेलवे किस ट्रेन की तर्ज पर मालगाड़ी ट्रेन शुरू करेगी। तो फ्रेंड्स, वंदे भारत की तर्ज पर ही मालगाड़ी ट्रेन शुरू की जाएंगे। किसके द्वारा तो भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की जाएंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं मालगाड़ी जो कि वंदे भारत की तर्ज पर शुरू होगी। फ्रेंड्स, ये एल्यूमिनियम से बनी होगी और इसका जो उद्घाटन होगा, उद्घाटन दिल्ली NCR से मुंबई क्षेत्र के मार्ग पर होगा। निर्माण कौन करेगा तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंटीगल कोच फैक्ट्री जो कि कहां पर है, चेन्नई में, इंटीगल कोच फैक्ट्री के द्वारा इन ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक कितनी वंदे भारत चलाई जा चुकी हैं, है ना। तो वंदे भारत सीरीज की यह पांचवी ट्रेन होगी और दक्षिण भारत में पहली जो कि 10 नवंबर को चेन्नई बेंगलोर और मैसूर रूट पर चलेगी। फ्रेंड्स, ये पांचवी होगी, याद रखेंगे ये पांचवी ट्रेन होगी, है ना।
पहली वंदे भारत कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो पहली वंदे भारत 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के रूट पर चलाई गई। दूसरी कहां से कहां तक? तो दूसरी नई दिल्ली से कटरा, तीसरी गांधीनगर से मुंबई और चौथी आपकी चलाई गई है हिमाचल प्रदेश के ऊना से नई दिल्ली तक। और पांचवी कहां से चलाई जाएगी? तो पांचवी चेन्नई बेंगलोर और मैसूर रूट पर चलेगी फ्रेंड्स, जिसका उद्घाटन कब किया जाएगा? तो 10 नवंबर को किया जाएगा। ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि खबरों में रही भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इस पनडुब्बी का नाम है INS हरियंत। नाम क्या है फ्रेंड्स? याद रखेंगे INS हरियंत इसका नाम है और ये भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित INS हरियंत पनडुब्बी है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि ये सुर्खियों में क्यों बनी हुई है फ्रेंड्स। तो यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसका जो डिजाइन है ना वो रूसी अकुला फर्स्ट श्रेणी की पनडुब्बी पर आधारित है। 26 जुलाई 2009 को पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि मनमोहन सिंह द्वारा विजय दिवस यानी कि कारगिल युद्ध विजय दिवस की वर्षगांठ पर इसे लॉन्च किया गया था। अब ये पनडुब्बी सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इस पर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है, इसलिए यह पनडुब्बी सुर्खियों में बनी हुई है। तो आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में जो टॉप पर रहा है वो रहा है हरियाणा। कौन रहा है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा है इस अफेयर। फ्रेंड्स यह रैंकिंग बेंगलोर स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी की जाती है, ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। और राज्यों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, राज्यों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, बड़े और छोटे, और मूल्यांकन केंद्र सरकार के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। 10 छोटे राज्यों में शीर्ष पर रहा है सिक्किम। अगर बड़े राज्यों में पूछे तो याद रखेंगे हरियाणा है, छोटे राज्यों में अगर आपसे पूछ ले तो याद रखेंगे आंसर होगा सिक्किम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है फ्रेंड्स वो बन गया है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य बन गया है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश बन गया है। डिस्कस कर लेते हैं मेडिकल, गांधी मेडिकल कॉलेज जो कि कहां पर है, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। और भारत में पहला मेडिकल कॉलेज बना है जिसने 2022-23 सत्र से हिंदी माध्यम के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम में MBBS पाठ्यक्रम की पेशकश की है, इसलिए सुर्खियों में है। प्रारंभ में हिंदी में अध्ययन के लिए 3 विषयों का चयन किया गया है फ्रेंड्स, जिसमें शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान और जैव रसायन शामिल है। ये 3 विषयों का शुरुआत में चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स यह पुरस्कार दिया जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। किसे दिया जाएगा? तो याद रखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया जाएगा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहां पर हुआ था? तो तमिलनाडु में 15 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स। और याद रखेंगे 15 अक्टूबर को ही विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 2002 से 2007 तक भारत के ये 11वें राष्ट्रपति रहे थे, ये पॉइंट याद रखेंगे आप सभी। 1981 में इन्हें पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। अब आप लोग बताइए कमेंट्स करके कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, जिसका आंसर आप सभी कमेंट्स में देंगे। तो अब कल की क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
माँ भारती के सपूत वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा यह वेबसाइट लॉन्च की गई है। और लॉन्चिंग कहाँ से की गई है? तो लॉन्चिंग की गई है नई दिल्ली से। चांगलांग जिला प्रशासन ने नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी इलायची की खेती को अवैध घोषित कर दिया। यह नेशनल पार्क किस राज्य में है फ्रेंड्स? तो यह नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित पहला म्यूजियम खोला गया है? तो ये कहां पर खोला गया है? तो अमेरिका में खोला गया है। मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 की मेजबानी किसने की है? तो मेघालय में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। किस देश के सिविल सेवकों के लिए 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी कि मसूरी उत्तराखंड में किया गया है? बांग्लादेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 अक्टूबर 2022 को देश के 75 जिलों में कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को समर्पित किया है? तो कुल 75 बैंकिंग इकाइयों को समर्पित किया है। पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 121 देशों में भारत किस स्थान पर रहा है फ्रेंड्स? तो भारत रहा है 107वें स्थान पर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। नारियल समुदाय के किसानों का सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो ये कोयंबटूर में हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर, अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आगे। टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत है। पृथ्वी की आकाश गंगा को क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी के आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो ओरियन नेबुला के नाम से इसे जाना जाता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये मंगल ग्रह पर है। किस ग्रह पर है? तो याद रखेंगे मंगल ग्रह पर है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्गेनोलॉजी के नाम से इसे जानते हैं। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रतों में महावीर स्वामी 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ा था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? चामली। कल के क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनेत्री आशा पारेख को यह सम्मान दिया गया है। पहला सम्मान दिया गया था देविका रानी को। जलदूत एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, नामदफा नेशनल पार्क की जलवायु। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें से जो सही आंसर था वो था केवल एक। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने भारतीय रुपया आधारित क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स लॉन्च किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीपुर वन विहार किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा स्थल दैमावाद निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।